बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के अनुसार मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जनपद हरदोई के समस्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने आज वीरांगना दिवस के अवसर पर आज एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरु रानी ने दीप प्रज्वलित करवा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। प्रतियोगिता की थीम हम में है दम थी। इसमें 100 मीटर 200 मीटर व 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लंबी कूद चक्का फेंक गोला फेंक रिले रेस रस्सा कसी खो खो कबड्डी आदि खेलों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर खेलकूद प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने महिला सुरक्षा की शपथ पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। खेल प्रतियोगिता के समापन के उपरांत जिलाधिकारी ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार व मेडल वितरित किए। पुरस्कार में स्पोर्ट्स किट व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय निगम, वरिष्ठ सहायक सतीश कुमार रामू, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज को, प्रोबेशन विभाग के सभी अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है कंचन फेज का। और इस अवसर पर जितने भी बच्चे यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं, अभी मैंने दो गेम देखे, एक तो 100 मीटर रेस का, दूसरे रस्सा कसी का, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और आप लोग ऐसे ही खेल के मैदान में अपना जोहर दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।